बारिश ही बचा सकती है, अब तो बारिश ने भी नहीं बचाया। एक घंटा कोई आउट नहीं हुआ, कौन बॉलिंग कर रहा था? बुमराह। ये टर्निंग पॉइंट था आज का, बुमराह, अश्विन और सिराज भाई हमारे। आपने अमूमन जुमला सुना होगा ना, प्लान ए प्लान बी। जैसे एक घंटा हुआ, रोहित शर्मा ने फौरन जडेजा को बोला और आकाश को बोला हाथ खोल लो। दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, एक 50 पे खेल रहा था, एक 19 पे खेल रहा था, ऐसे ही था 29 पे या 19 पे शांतु। उन्होंने फौरन रिलैक्स कर लिया कि भाई अब मेन बॉलर तो चलेगा, अब थोड़ा सा रन बनाते हैं। क्या किया शांतु ने? स्विच हिटिंग रिवर्स स्वीप मारा, जो गैटिंग ने मारा था 87 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। पहले बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नजर यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि दो दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने। मिडिल ऑर्डर वाले भी चल रहे हैं, लोअर ऑर्डर वाले भी चल रहे हैं, सारे के सारे सारे रन्स पे रन्स, रन्स पे रन्स, तो यहाँ पे बेबस हैं। क्यों? क्योंकि आगे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, बुमराह है आगे। बुमराह के सामने किसकी मजाल है कि वो इस तरह चौके मारे, इस तरह छक्के मारे? मारे ना ये लिटन दास वगैरह ये सारे, ये बुमराह को उस तरह मार के दिखाएं। वो तो T20 वर्ल्ड कप में उसने 4 के रन रेट से रन दिए हैं, T20 वर्ल्ड कप में वो 6 रन एक ओवर में नहीं देता, तो इधर टेस्ट में इनको क्या देना था उसने? तो कोई निकल के मार के बताएं, कोई चौके मारे, कोई छक्के मारे, कोई पता चले कि हाँ जी क्या हिसाब किताब है। टांगे कांप जाती हैं जैसे ही वो सामने आता है बुमराह, बिल्कुल हिल जाते हैं कि हाँ जी बुमराह आ गया, विकेट आएगा। वो बुमराह आया और साथ ही मेहदी हसन मिराज साहब ने कि एज लगा के कीपर को कैच, चलो जी हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। शांतु साहब ने कहा था 2-0 से हम जीतेंगे, शायद वो समझ रहे थे, शायद उनका पाकिस्तान से दोबारा मैच है। बोलना पड़ता है, तकलीफ दे बात होती है। जो मैच हमारे यहाँ 5-5 दिन गए, वहां पे 2 दिन में मैच खत्म हुआ, 3.5 दिन में खत्म हुआ। तो फर्क आप देख लें, इंडिया और पाकिस्तान का फर्क, ये हकीकत है, सच है, इसको माने। अगर आप इसी सोच में रहेंगे ना जी, नहीं हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी है, डेटाबेस टाटाबेस मैचअप लैपटॉप, पाकिस्तान में बहुत मशहूर है ये चीज है। कल जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे कि हमने क्या प्लान करना है, तो आया डेटाबेस लैपटॉप वाले साथ बैठे हुए थे? नहीं, नहीं बैठे हुए थे। और आज जो टर्निंग पॉइंट हुआ, कल भी टर्निंग पॉइंट और आज का जो टर्निंग पॉइंट है, उसमें भी डेटाबेस नहीं था। कल का क्या टर्निंग पॉइंट था कि जब रोहित ने और जसवाल ने इनिंग्स स्टार्ट करी थी, जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नजर यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और एक बैट्समैन बोलेंगे हाँ जी ये बहुत हमारे खिलाफ, ये सारे चल रहे हैं, ओपनर भी चल रहे हैं उनके, मिडिल ऑर्डर वाले भी चल रहे हैं, लोअर ऑर्डर वाले भी चल रहे हैं, सारे के सारे सारे रन्स पे रन्स, रन्स पे रन्स, तो यहाँ पे बेबस हैं। क्यों? क्योंकि आगे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, बुमराह है आगे। बुमराह के सामने किसकी मजाल है कि वो इस तरह चौके मारे, इस तरह छक्के मारे? मारे ना ये लिटन दास वगैरह ये सारे, ये बुमराह को उस तरह मार के दिखाएं। वो तो T20 वर्ल्ड कप में उसने 4 के रन रेट से रन दिए हैं, T20 वर्ल्ड कप में वो 6 रन एक ओवर में नहीं देता, तो इधर टेस्ट में इनको क्या देना था उसने? तो कोई निकल के मार के बताएं, कोई चौके मारे, कोई छक्के मारे, कोई पता चले कि हाँ जी क्या हिसाब किताब है। टांगे कांप जाती हैं जैसे ही वो सामने आता है बुमराह, बिल्कुल हिल जाते हैं कि हाँ जी बुमराह आ गया, विकेट आएगा। वो बुमराह आया और साथ ही मेहदी हसन मिराज साहब ने कि एज लगा के कीपर को कैच, चलो जी हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।
तो जैसे ही बुमराह आता है वो विकेट, जैसे ही बुमराह आता है विकेट, जैसे ही वो अश्विन जडेजा, किस किस का नाम नहीं, कोई एक का ऐसा नहीं है कि एक ही आता है तो विकेट मिलता है, बाकी नहीं, सारी इस सीरीज में सबने ही विकेटें ली है। सिराज ने आउट किया, आकाशदीप ने आउट किए, बुमराह ने, अश्विन ने, जडेजा ने, दो दो तीन तीन विकेटें हर बॉलर ले रहा है। कोई एक ऐसा नहीं है कि चलो यार इस ये हट गया तो दूसरा बॉलर आ गया तो थोड़ा सा जरा ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, थोड़ी सी हमें जरा सुकून मिल गया। एक घंटा कोई आउट नहीं हुआ। अब मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने देखी है, जो मैंने सीखा है। मैं इस क्रिकेट की बात करता हूं। बोलते थे ना बारिश ही बचा सकती है, अब तो बारिश ने भी नहीं बचाया। एक घंटा कोई आउट नहीं हुआ। कौन बॉलिंग कर रहा था? बुमराह। ये टर्निंग पॉइंट था आज का। बुमराह, अश्विन और सिराज भाई हमारे। आपने अमूमन जुमला सुना होगा ना, प्लान ए प्लान बी। जैसे एक घंटा हुआ, रोहित शर्मा ने फौरन जडेजा को बोला और आकाश को बोला हाथ खोल लो। दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, एक 50 पे खेल रहा था, एक 19 पे खेल रहा था। ऐसे ही था 29 पे या 19 पे शांतु। उन्होंने फौरन रिलैक्स कर लिया कि भाई अब मेन बॉलर तो चलेगा, अब थोड़ा सा रन बनाते हैं। क्या किया शांतु ने? स्विच हिटिंग रिवर्स स्वीप मारा, जो गैटिंग ने मारा था 87 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। कॉन्सेंट्रेशन लूज हुई ना, ये था प्लान बी रोहित शर्मा का, गुड कैप्टनसी। और अगला ओवर किसको कराया? आकाश को। शादमान भाई ने बोला अभी तो वो आउट हो गया, अब मैं जरा अपने शॉट ही खेल लूं 50 पे। शॉट मारी और गली में सीधा। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन लूज करना। ये वो दो शॉट थे जिसकी वजह से बांग्लादेश मैच हारा है, वरना ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स बासिद अली जमकर भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस मैच में बारिश ही बांग्लादेश को बचा लेगा, पर बारिश ने भी बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया और भारत ने 2-0 से इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम पर कर लिया। जिस तरह की क्रिकेट भारतीय टीम ने पूरी दुनिया को इस टेस्ट सीरीज में बताई, वो एक कमेंडेबल थी, क्योंकि दोनों टीम के बीच का फर्क पूरी दुनिया को दिख रहा था। ये वही टीम थी जिसने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को 2-0 से हराया और ये भारत के सामने मिनोस की तरह खेल रही थी। भारत ने 6 सेशन में ही बांग्लादेश को कानपुर टेस्ट में हरा दिया। सबको लग रहा था कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा दिन बारिश के कारण धुल गया। टेस्ट मैच ड्रॉ के और चल बसा, पर जिस तरीके की कैप्टनसी रोहित शर्मा ने की वो कमेंडेबल थी और यही कारण है कि भारत ने सेकंड टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।